हमारी वैष्णव उपासना इन चार खंभों पर खड़ी है, नाम रूप लीला धाम। कभी नाम में है, कभी रूप के चिंतन में है, कभी लीला का गायन कर रहे हैं, कभी धाम की महिमा श्रवण करके शरीर को धाम में ही रख रहे हैं। ये हमारी उपासना कर, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ऐसा चित्त न हम योग जानते हैं, न ज्ञान जानते हैं, न धर्म जानते हैं, न कर्म जानते हैं, न तीर्थ जानते हैं, न व्रत जानते हैं, न नियम जानते हैं, न यम जानते हैं, न संयम जानते, इतना जानते हैं बस रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान। ऐसी रूप में आसक्ति, सुने न काहू की कही कहे न अपनी बात, ऐसी नाम की आसक्ति, न बोलने की इच्छा है न सुनने की इच्छा है, निरंतर नामाकार वृत्ति। बाहर नेत्र खुले तो नाम, अंदर चिंतन हो रहा तो नाम। बाहर नेत्र खुले तो प्रियालाल रूप, अंदर चिंतन हो रहा तो प्रियालाल का रूप। कान लालायित रहे प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनने के लिए, शरीर आसक्त तो हो जाए इस वृंदावन की रज में, यही है उपासना का स्वरूप। इन चार के सिवा हमारी कोई गति नहीं होनी चाहिए। हमारे इष्ट का नाम, हमारे इष्ट का रूप, हमारे इष्ट की लीला, हमारे इष्ट का धाम, इसके अलावा हम और कुछ नहीं जानते, बस ये स्थिति होनी चाहिए। अगर और कुछ जानने की और कुछ पाने की इच्छा है तो प्रेम नहीं मिलेगा और सब कुछ मिल जाएगा। प्रेम प्राप्त करना है तो इन चारों पे लिपट जाओ, जैसे इस चद्दर को अपने शरीर पर लिपेटे हुए हैं, इसमें चार कोने हैं, ऐसे ऐसे इस उपासना रूपी चद्दर के चार कोने हैं, धाम नाम रूप लीला। इस चार चद्दर के चार कोनों में दो दूर की तरफ होते हैं, दो नजदीक की तरफ होते हैं। जैसे इसे फैलाया जाए तो दो कोने नजदीक होंगे, दो दूर होंगे। जो नजदीक होंगे उनमें से एक कोना नजदीक होता है, थोड़ा दूसरा दूर होता है। सबसे नजदीक कोना है धाम। धाम निरंतर हम नाम भी जप नहीं सकते, रूप और लीला तो बहुत दूर की बात रही। तो इस चाहे जैसे अज्ञानी और पापात्मा जीव है, धाम में तो वास कर सकते हैं। धाम और नाम और रूप लीला चारों बराबर सामर्थ्यशाली हैं। ऐसा नहीं कि धाम में रह रहे हो और नाम जप नहीं कर रहे हो तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए ये वृंदावन महिमामृत का गान श्री जी करवा रहे हैं, श्रवण करो।